और यहाँ पर देखिए अभिजीत हमको अभी निकाल रहे हैं। तो मास्टर जी हम आ गए हैं यहाँ पर रोलिंग के पास पिशावरी आइसक्रीम, और यहाँ की आइसक्रीम अलिशबा को पसंद है। अलिशबा की स्टडीज के बारे में कॉलेज मैंने देख लिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनकी ज़रूरत है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो आज की सुबह का आगाज़ हो चुका है माशाल्लाह से, और नाश्ता वगैरह कर लिया मैंने। अलिशबा का आज मूड था हलवा पूड़ी खाने का, वो भी ला के दे दिया अलिशबा को। अलिशबा भी नाश्ता कर चुकी हैं और अभी हम निकलते हैं ऑफिस के लिए। उससे पहले मुझे एक पर्सन से मिलना है जो कि एक इलेक्ट्रिक के पर्सन है, उनसे कुछ मालूम करनी है हमने मीटर के रिगार्डिंग, थोड़ी उनसे मीटिंग है। घंटा डेढ़ लग सकता है, तो मैं तकरीबन 2 घंटा निकल रहा हूँ पहले, और आज डे की शिफ्ट है मेरी। इंशाल्लाह शाम में आज जल्दी रात में घर आ जाएंगे टाइम से। तो खैर जो भी अपडेट होगी और रूटीन होगी हमारी, आपको अपडेट करते रहेंगे हम, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। हमारी मिसेज यहाँ पर कुछ काम में बिजी थी, क्या कर रही थी आप? शूज रख रही थी। ये क्या गिरा है, क्या ये पता नहीं। ये फॉर्म टाइप का कुछ लग रहा है। खैर ये कचरे में फेंक दो ना। खैर झड़ रही है अभी, तो सफाई स्टार्ट होने वाली है। बाकी बेड वगैरह तो मेंटेन कर दिए मेरी वाइफ ने माशाल्लाह से, अभी घर का काम शुरू करेंगे। खाना तो बना हुआ है ऑलरेडी, है ना? रात को बना लिया। तो खैर ये अभी जिन भूत बन के घूम रहा है तो रात को उन्होंने खाना बना लिया है माशाल्लाह से, तो नाश्ता भी हमने कर लिया। अभी जो है हम निकलने लगे काम से, मशीन चलाई थी पानी की ऊपर चढ़ाने के लिए, और उसके बाद अभी नीचे बंद करना है उसको, फिर हमने जाना है मीटिंग के लिए। तो अभी फ़िलहाल गई है ब्रेटे वकार ऑफिस में हमने, उससे मेरी बात हुई थी सुबह, और साजिद भी इसी भी रास्ते में बात हुई, वो रास्ते में थे। तो खैर वो दुआ करते हैं खैरियत से पहुंच जाए, फिर इंशाल्लाह उनसे कब्शा करेंगे फ़ोन पे। और अभी यहाँ पर आपने लंच कर, और अभी यहाँ पर मेरे साथ बदतमीजी की गई है भाई। अच्छा नहीं, पहले मैंने ये रोटी और सालन दे के गई हूँ, आधी रोटी खाई भिंडी खाई, बाद में ये निकल के आया, उसके साथ ये निकल के आया ना, इतनी सारी बदतमीजी मेरे साथ हुई। तो फिर अभी वो यहाँ पड़ा हुआ है भाई, यहाँ पड़ा हुआ है। पहले तो ये खा रहे थे चुपचाप, मोबाइल में बिजी थे, तो मैं अपना भी लेके आ गई इधर साइड पे रख दिया। हाँ। और फिर इनकी नजर पड़ गई, बदतमीजी की है मेरे साथ। अपने लिए बिरयानी, और देखो किस तरह से खीरे काटे हुए, मुझे देखो रोजाना ये खाना पड़ता है, ये चुप चुप के खाती है, आज मैंने पकड़ लिया। आप मोबाइल में बिजी थे, मैंने कहा साथ खा लेते हैं। इन्होंने अंधा बैठा हुआ है, खाना ऐसे खा रहा है करके, अरे यूं देखा तो यार पार हो गया। तो भाई अभी एक्सचेंज ऑफर हो गई है, नहीं दोनों साथ करेंगे, हो सकता था दोनों साथ खा सकते, अगर ये बदतमीजी ना होती। मुझे ये भिंडी देके आराम से गर्म करके पीले काट के मैंने फिर चाट मसाला भी लिया। अब इंजॉय करके खाऊंगा, आप भिंडी खाएं। अब ये सारा कुछ आप खुद खाएं? नहीं ये भी आप भिंडी खाएंगे। चलो भिंडी भी मैंने ही बनाई है, मैं खाऊंगी, अब मजे से खाएंगे। थैंक यू, नजर नहीं मारो, चलो। और अभी आपकी फरमाइश पे पुलाव बन रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, चलो कुछ तो मेरी फरमाइश पे हो ना। नहीं पहले आप मेरी बिरयानी खा गए थे। किसकी? मेरी। किसकी? मेरी। वो मेरा हिस्सा था। मेरा था। तो फिर मेरा हिस्सा क्या है? आपका हिस्सा नहीं था। यार ये अजीब मजाक यार, मैं भूल गए सारे। आपने जिंगर खाया तो था। कौन सा जिंगर? मैंने खाया था या आपने खाया था? आपने। और अभी यहाँ पर देखिए अभी मसाला बिल्कुल रेडी है, तो अभी इनका पुलाव बन रहा है। वहाँ पे हमने चिकन भी भिगो के रख दिया और चावल भी भिगो के रख दिया और सारा मसाला रेडी है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो यस, ये इनका नहीं है सिर्फ, ठीक है, इसमें अलिशबा भी आती है, वो कार भी आते हैं, अब्बू अम्मी भी आते हैं, ये इनका नाम पे नहीं करो, नाम सिर्फ आपका है। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही अब्बू ऐसा है कि वो चावल बिरयानी लाया मेरे लिए, तो मैंने कहा कि देने में बिरयानी में मसाला ज्यादा मैं नहीं खाता, फिर तो मैंने रख दिया था। वो नहीं इसका है, मेरा है, आपका था ना? हाँ, और मैंने रखा था आप दोनों के लिए, ये मैं आपको। खैर अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी ये मसाला बना के देता हूँ बेटी को, और वो पुलाव बना रही है, मैं थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ। कहाँ पे जा रहा हूँ? अरे आमिर ठंडा पानी ना पिया कर। क्यों? ठंडा पानी मुकम्मल छोड़ दे। इस जगह वैसे अब मुझे एलर्जी मिट्टी से, मिट्टी से नहीं, ठंडा पानी गले को खराब कर देता है। ठंडा पानी बिल्कुल ना पी, मुझे धूल मिट्टी से छींके आती है, तो पता तो है। पी सिरप पी। कौन सी सिरप? जुकाम खांसी। यहाँ पर देखिए हमारी कुकिंग बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, तो आज मैं बिल्कुल अकेले बना रही हूँ, क्यों और अब्बू छत पे गए हुए हैं, हवा भी ऊपर अच्छी चल रही है, तो फिर नमाज पढ़ने गए, और मेरे हस्बैंड भी काम पे चले गए। यहाँ पर देखें और ना
सिलेंडर पे मैं इसलिए बना रही हूँ, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ गैस कितना ही कम है। मुझे लगता है यहाँ पर अगर मैं बनाती ना तो कल तक चावल बन ही जाएंगे। और यहाँ पर देखिए सारे मसाले मैंने काट लिए और बाहर रख दिए हैं जो कि डालने हैं। बस अभी ये ब्राउन हो चुके हैं तो इनमें भी टमाटर भी डालते हैं। इसमें ना अभी मैंने सारे मसाले जो है बिल्कुल ऐड कर दिए और इसमें चिकन भी ऐड कर दिए। बस ना थोड़े से ना ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए ना, फिर इसमें हम चावल भी डाल देंगे इसमें। नहीं पहले चावल तो नहीं, सॉरी, पहले इसमें ना पानी डालेंगे। अभी मैं इसके ऊपर ना प्लेट दे के रख देते हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow. यहाँ पर देखें ये जो है हमारे दिल को रेडी हो चुका है ये वाला मसाला, तो बस इसमें ना अभी पानी ऐड करना है और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस इसमें ना पानी वाली ऐड करना है। और यहाँ पर देखिए ये आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों काटा, ये तो सबको पता है एंड में डालने के लिए होता है। बाकी ये ना मैंने इसलिए काटा कि ऊपर से ना थोड़ी सी सजावट कर लूँ। आज ना मैं अपने तरीके से ना बना रही, थोड़े से आई होप कि अच्छे बने। बाकी जो है बस इसमें भी पानी ऐड करना है और असर की अजान भी हो गई, तो ये जल्दी से ना खाने पीने के काम करके उसके बाद नमाज़ भी पढ़ते हैं। और इसमें हमने पानी भी ऐड कर दिया जब तक ये थोड़ा सा ना बॉईल हो जाए, फिर इसमें ना चावल भी ऐड कर देंगे इसके ऊपर ना। तब तक बहुत गर्म प्लेट है, ये प्लेट देके ना रख देते हैं जब तक ये अच्छे तरीके से ना रेडी हो जाए। और इसमें कुछ देर पहले मैंने चावल भी ऐड कर दिए थे, बस अभी इनका ना पानी के चावलों का जो खुश्क होने वाला है, बस ये हमारा ये जो पुलाव है, सॉरी खाना कह रही थी, ऐसे खाना ही होगा, सब रात को ही खाएंगे। तो अभी ये ना हमारा पुलाव जो रेडी होने वाला है और यहाँ पर थोड़ा सा गैस आ रहा है तो, और इसमें जब हम दम देंगे ना तो तब तक ये ना थोड़ा सा गर्म हो जाए, ये भी रेडी होने वाले हैं। तो फिर एंड में ये सब डाल देंगे ऊपर से। माशाल्लाह से यहाँ पर देखें पुलाव जो है बिल्कुल रेडी है और नीचे थोड़ा थोड़ा गैस भी आ रहा है, तो इनको ना हमने दम पर लगा दिया और इसको ना हम आधा घंटे बाद गैस को बंद कर देंगे और ये पूरे रेडी हो जाएंगे। और घर वाले जब सब आ जाएंगे ना फिर साथ में खाएंगे। और यहाँ पर देखिए अभी जो दम को अभी निकाल रहे हैं, तो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है पुलाव। और ऊपर से ये आज ना इसलिए मैंने टमाटर और प्याज काटे थे ना ऊपर से ऐसे सजावट करने के लिए, तो अभी पुलाव रेडी है। अभी अब्बू आए हुए हैं, उनके भाई भी हैं, उन्हें देते हैं। सब जगह से फ्री होके तकरीबन 45 मिनट्स पहले निकले ऑफिस के लिए, क्योंकि आज हमारे जो कॉलीग हैं मैनेजर हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आओ बैठो चाय वाय पीते हैं, कोई एक मैटर है उस पर डिस्कस करना है। तो जी अभी चाय पियेंगे फिर उनके साथ बैठ के डिस्कस करेंगे और उसके दिन में मेरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगी। तो तकरीबन मेरे पास 30 मिनट्स हो गए, तो जल्दी से अब ऑफिस निकलें, ऑफिस पहुँचते हैं, फिर रात में आके बाकी गपशप करेंगे आपसे इंशाल्लाह ताला। तकरीबन रात या थोड़ा सा लेट हो गया, तो हमारी वाइफ साहिबा खड़ी होगी, आइसक्रीम खाना है, चलो आइसक्रीम खिला देते हैं आपको। नहीं, मैंने नहीं कहा। अच्छा आपने नहीं कहा, मैंने कहा आइसक्रीम खाना है, अलीशमा का चलो चलते आपको मैं आइसक्रीम खिलाने जाती हूँ, ऐसा हुआ था। तो खैर मैंने कहा अलीशमा मुझे आइसक्रीम खाना है, अलीशमा गर्मी हो गया, अलीशमा ने कहा मैं आपको आइसक्रीम खिलाने ले जाती हूँ, ऐसा हुआ होगा। ठीक है ऑडियंस, आप खुद इस चीज का ना गवाह है। ठीक है, तो खैर आज अलीशमा ने पुलाव बहुत अच्छा बनाया, अब्बू ने कहा अलीशमा के नाश्ते की चीज़ें आप लेके रखें जो अलीशमा शौक से खाती हैं। अब अलीशमा का शौक पता नहीं क्या है, केक रस खाती थी बंद कर दिया, रस्क खाती थी वो भी बंद कर दिया, इसके साथ डबल रोटी खाती थी वो भी बंद कर दिया, पराठा भी बंद कर दिया, अंडे बॉयल भी नहीं खाती, अब जो है ना सिर्फ हवा खाती है माशाल्लाह। चल झूठा, इतना मेरा एक्सपेंस बच रहा है इस हवा की वजह से, आपको क्या बताएं। और जब बीमार हुई तो सारा एक्सपेंस इकट्ठा लग जाएगा, तो मैं ही सोच रहा हूँ कि भाई कुछ खाना होता है कुछ खा लिया करो सुबह नाश्ते में,
बट अभी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी। आज तो मैंने हलवा बोल की थी, कल से ब्रेड या कुछ ऐसा कुछ खाएंगी, ब्रेड खाऊंगी तो इंशाल्लाह नाश्ता जरूर करेंगी, ताकि कुछ ना कुछ इंसान के अंदर जाना चाहिए, तो एनर्जी आती है, एनर्जेटिक होता है बंदा, काम वगैरह में सारी हेल्प होती है। तो एनीवे अभी हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी हमारी, बाहर जाते हैं। अम्मी गई है मेरे खाले पीर साहब से मुलाकात करने, ऐसी है, और अब्बू जो है ना अंदर पुराने पुराने पठाने खा के और पता नहीं कौन कौन से गाने सुन रहे हैं। वो मैंने अभी बोला अब्बू थोड़ा म्यूज़िक बंद कर दे, कॉपीराइट लग जाएगा। खैर आज पुलाव बहुत बेहतरीन बनाया है अब्बू ने, सब ने पास कर दिया, अलीजबा जो है ना अच्छे नंबरों से पास हो गए यहाँ भी। बाकी रिजल्ट का ये है कि रिजल्ट तो आप देख चुके होंगे, मेरे ससुराल वालों ने आपको व्लॉग में बता दिया होगा रिजल्ट का, अल्हम्दुलिल्लाह जो रिजल्ट हम आपको बता चुके थे बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई, तो आज आपने देख भी लिया। एनीवे स्टडीज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टडीज बिल्कुल हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करवाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मेरे ससुराल वालों को पता होना चाहिए कि थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो मुझे कंप्लीट करके दें, जो मैंने उनसे कहे। अब वो कब कंप्लीट करके देते हैं अल्लाह बेहतर जानता है। खैर बीच में हमारी एक शादी का वो भी है सीन, और अभी हम इंशाल्लाह वहाँ भी निकलेंगे इस्लामाबाद। तो डॉक्यूमेंट्स वाला कॉलेज का मुझे पता है मैंने कहाँ एडमिशन लेना है, और खुद ही ड्रॉप करूँगा, खुद ही पिक करूँगा, बाकी ऑफिस भी देख लूँगा इंशाल्लाह ताला, और व्लॉगिंग चलती रहेगी वो मेरा काम है। बट डॉक्यूमेंट्स पूरे उनको करके देने जो कि उन्होंने अब तक थोड़ी सी डिले की हुई है कि अभी उन्होंने बनवाए नहीं है, जो मैं कहूँगा उनको वो बनवाने पड़ेंगे, तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। खैर अभी चलते हैं हम आइसक्रीम आइसक्रीम खाते हैं, थोड़ा सा मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हम आ गए यहाँ पर रोल के पास पिशावरी आइसक्रीम, और यहाँ की आइसक्रीम अलीजबा को पसंद है, ऐसे ही अलीजबा आपको यहीं की पसंद आई है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इनकी आइसक्रीम इनको पसंद आई है। खैर मैंने अपने लिए ऑर्डर किया, अलीजबा ने तो ऑर्डर किया अपना वनीला, और मैंने ऑर्डर किया अपने लिए सरप्राइज़ दिखाते हैं उनका, मुझे अच्छा लगता है। अब खा के देखते हैं, हाँ बाद में मेरी खा रहे होंगे, बाद में आप भी खा रहा हूँगा। खैर नहीं ऐसा नहीं है, इनका सरप्राइज़ अच्छा ही होगा, कुछ देखते सरप्राइज़ में क्या है, फ्रूट वगैरह होता है, पाइनएप्पल होता है, बल्ला करे अच्छा ही निकले कल की तरह ना हो। नहीं भाई अभी हम आए हैं पिशावरी आइसक्रीम खाते हैं, ये अभी अलीजबा की वनीला की है, हाथ बढ़ते हुए कैसे आया देखो, और ये मेरा सरप्राइज़ आया, इसमें पाइनएप्पल भी है, काजू पिस्ता बादाम, और ठंडा चेक करें स्मोक चेक करें आप इसका, और इसमें पिस्ता कुल्फ़ी है, साथ में जेली और काफ़ी ड्राई फ्रूट्स नज़र आ रहे हैं अंदर माशाल्लाह से। आप ज़रा टेस्ट करेंगे इस बार, अच्छा लग रहा है आज, टेस्ट करें। आज जो है ना व्लॉग एंड करने लगे हैं क्योंकि कल एंड नहीं कर सके, रात में आइसक्रीम खाने का ये सबूत हुआ कि अबू जो मना कर रहे थे कि ठंडे पानी नहीं पियो, ठंडा पानी अवॉइड करो, हम जाके ज़िद में कह सकते हैं ना, जब एक बंदा मना कर रहा है तो ज़िद ही होगी ना, बस ऐसी दिल ललचा गया आइसक्रीम खाने के लिए, आज मुझे थोड़ी सी खांसी हुई है, अलीजबा का रात गला भारी भारी हो रहा था, तो जब बड़े कोई नसीहत करते हैं या कोई रोकते हैं ना अलीजबा, आपने इतनी बड़ी आइसक्रीम ली थी, वो आइसक्रीम में सिर्फ फ्रूट थे और ड्राई फ्रूट थे, अरे कहना क्या चाहते हो, वो भी इतनी कड़वे लग रहे थे मुझे कि मैं क्या कहूँ, अच्छी चीज देख के लालच में अच्छी चीज लगती है ट्राई कर लेता हूँ, फिर बाद में वो मैं नहीं खा पाया, वापस ले आया ड्राई फ्रूट्स और थोड़े से फ्रूट्स खाए, थोड़ी सी आइसक्रीम खाई वो अच्छी नहीं लगी, ले आया अलीजबा ने वनीला खाई वो पूरी ख़त्म की, लेकिन ये है कि आइसक्रीम खाने की वजह से थोड़ा सा गला भारी भारी हो गया, और बाकी में लोग सही कहते हैं इंसान को एहतियात करनी चाहिए, अब इसी गर्मी है, और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अलीजबा की स्टडीज़ के बारे में कॉलेज मैंने देख लिया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स उनकी ज़रूरत है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें ज़रूरत है, वो मैंने ससुराल वाले को ऑलरेडी एक दो दफ़ा बता चुका हूँ कि वो चाहिए मुझे, अब वो आया बना सकते हैं नहीं बना सकते, शायद मुझे पंजाब जाना पड़े सर्दियों में, शादी में जाएंगे ना, हाँ तो मुझे वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने होंगे, अब दुआ करो सर्दियों में छुट्टियाँ कितनी होती हैं ये ना हो जाए मसला, नहीं तो सर्दियों में हमें जाना है और मुझे वो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं जो हमें एट द टाइम ऑफ सबमिशन जमा करने कॉलेज तो करेंगे लिखवा, ये मैंने सोचा हुआ है, बेफिक्र हो जाए अलीबाग स्टडीज़ का है, कुछ लोग पूछ रहे हैं स्टडीज़ का क्या बना, तो हम स्टडीज़ करेंगे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारा निकानामा भी उसमें आएगा, अलीबाग NIC भी बनेगा, डोमिसाइल PRC भी बनेगा, उसके अलावा अलीबाग की सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे कि भाई लास्ट तालीम कहाँ हासिल की कहाँ तक की, और शायद करेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है कि आपने लास्ट टाइम जो स्टडीज़ हासिल की, ये एक अंडरटेकिंग होती है कॉलेज की जो मुझे पता है मैं दे चुका हूँ हर जगह, कि आपने स्टडीज़ हासिल की किस तरह से स्टूडेंट थे आप, मतलब होती है ना कॉलेज की रेपो के बारे में होता है सब, तो ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, ये मैं बनवा लूँगा वहाँ से जाके, इनसे शायद ही बन पाए, बाकी एडमिशन सब कहता है लेकिन कुछ को पता नहीं है कि एडमिशन के लिए कितने पापल बेलने पड़ते हैं, ये आसान है कह देना कि पढ़ेंगे ये करेंगे, वो मेरा फैसला है, वो अलीजबा का फैसला है इंशाल्लाह वो करेंगे हम,
खैर एनी वे नए आने वाले को वेलकम कहते हैं। इस शरीफ कसम के अलिशबा का मुंह कैसा हो देखो नहीं नहीं अच्छा हो गया ऐसे पढ़ी ऐसे लग रहा है अलिशबा को जोर से मैं अलिशबा ऐसा नहीं है अलिशबा जब मैं बोलता हूँ तो खामोशी से सुन रही होती है और उसको पकड़ रही होती चीज़ें कि भाई ये करना है इन चंद्रा मुझे याद भी ये दिलाती है। एनी वे नए आने वाले को वेलकम कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए अपना ख्याल रखिएगा। बस अलिशबा का सजेशन पूछ लीजिए कि भाई आपने स्टडीज करने का इरादा रखा हुआ है आगे तो मैंने आपको कभी मना किया है। इंशाल्लाह ताला हम स्टडी ज़रूर रहेंगे। हम खुद एजुकेटेड हैं हमें पता है इस चीज़ का कितना फ़ायदा है। टेक केयर।